आप बम तो पड़ गयो और बम पड़िया बाद बम की आवाज और बम को नुकसान तो होती, बम के गिरने के बाद बम का नुकसान होता है। उन्होंने जो अपनी बात कहनी थी वो कहकर राजस्थान की जनता को बता दिया कि भगवान राम और महाराणा प्रताप के प्रति भी बीजेपी सम्मान नहीं रखती। उन्होंने सारी बातें कह दी, अब बीजेपी का नेतृत्व तो कुछ भी कोशिश कर ले, लेकिन बीजेपी ने ये साबित कर दिया कि ना तो वो विपक्षी भूमिका निभा पा रहे हैं, ना वो एक होकर लड़ पा रहे हैं, ना जनता की आवाज बुलंद कर पा रहे हैं, ना केंद्र से कुछ दिलवा पा रहे हैं। जो लोग कोरोना संकट में राजस्थान की जनता की मदद नहीं कर पाए, चीफ मिनिस्टर खुद भीख मांगते रहे, बोलते रहे कि राजस्थान को उसके हिस्से की पूरी ऑक्सीजन दे दो। इन्होंने खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी के नेताओं ने गवर्नर साहब से कहा 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन राजस्थान को कम मिल रही है। बीजेपी के सांसदों ने, बीजेपी ने माना ये ऑक्सीजन नहीं दिलवा पाए। और अब बीजेपी के बड़े नेता ने ये कहा, मेघवाल साहब खुद ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये विचार बिल्कुल गलत है कि यदि बीजेपी नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में होते। तब मैंने कहा था बीजेपी के लोगों घमंड मत करो, भगवान राम का नाम लेकर तुम यहाँ तक पहुँचो। हमारे राम तो दुनिया का भला करते हैं, लेकिन आप आज राम को चुनौती दे रहे हो और ये कह रहे हो कि सड़क नाली और विकास की बात मत करो। राम राज्य का मतलब होता है जन कल्याण और विकास। उस रास्ते पर कांग्रेस की गहलोत सरकार चल रही है और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कभी आप भगवान राम से बड़े हो जाते हैं, कभी महाराणा प्रताप से बड़े हो जाते हैं। कैलाश मेघवाल जी ने जो सवाल उठाए हैं वो सवाल बिल्कुल सही है। पार्टी उनको रोकने की कोशिश कर रही है और सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आज की सोच उनके नेता ने बता दी और ये कह दिया जन कल्याण और विकास की बात मत करो। और राम और महाराणा प्रताप से अपने आप को बड़ा बताते हैं, जो भगवान की इज्जत नहीं कर सकते भगवान राम की, जो हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकते वो बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पाई। एक भी आंदोलन इन्होंने किया नहीं और जो इनका चेहरा मैंने बीजेपी कार्यालय पर देखा उस दिन जब जिला प्रमुख का चुनाव ये जीते जयपुर का, तो कैसे चिल्ला रहे थे आपने देखा, हालत देखी, ये मॉरल। अरे आप जीत गए, आपने तोड़फोड़ कर ली, आपने धार्मिक काम कर लिया, लेकिन ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? वोटों की गिनती तो देखो, वोटिंग परसेंटेज में पंचायत चुनाव में और जिला परिषद चुनाव में परसेंटेज ऑफ वोट हमको ज़्यादा मिला है, जनता ने हमको मैंडेट दिया है। अब ये बीजेपी कितना भी आपस में इनके बड़े नेता मिलकर ये कोशिश करें, लेकिन बीजेपी बिखर चुकी है, जनता का विश्वास खो चुकी है। 2.5 वर्षों में जितने भी चुनाव हुए सब में बीजेपी वोटों में पीछे रही, क्योंकि जन कल्याण और विकास के रास्ते पर हम चल रहे हैं। और देश में पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई का जबरदस्त रिएक्शन है, पूरा देश दुखी और परेशान है। हमने हमारे घोषणा पत्र में किए वादों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करके कहा कि 64% वादे हमने पूरे कर दिए, ये बड़ी बात है। तो ये बीजेपी के नेता भी मोदी जी से जाकर कहे, वो भी अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करे, कौन से वादे पूरे किए कौन से नहीं किए। इन्होंने तो कोई वादा पूरा किया नहीं। हम आज कह सकते हैं कि हम राजस्थान को जन कल्याण और विकास के रास्ते पर चलाना चाहते हैं। विपक्ष झूठ बोलना बंद करे,